नमस्कार, मैं अनिल पुसदकर, स्वागत है आपका glimpse.in में। बात करते हैं खरी खरी उन लोगों के लिए जो पता नहीं क्यों सरकार से सहयोग ही नहीं करना चाहते। पता नहीं क्यों वो अड़े हुए हैं कि वो उनको कुछ हो नहीं सकता, वो अपनी जानकारी देना ही नहीं चाहते। सरकार कहती घर में रहिए, वो दरगाह चले जाते हैं। 16 लोगों को आज दरगाह में पकड़ा गया। इबादत घर से हो सकती है, उनके मौलाना कह रहे हैं, मौलवी कह रहे हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु कह रहे हैं। और फिर ये दुनिया में सबको पता है कि ईश्वर कहो, खुदा कहो, प्रभु कहो, कन कन में बसते हैं, हर जगह है। वो तो आपके घर में नहीं होंगे। क्यों आपको दरगाह जाना पड़ रहा है, क्यों आपको मस्जिद जाना पड़ रहा है, क्यों आप मस्जिद और दरगाह को जबरदस्ती अपनी हरकतों से शक के दायरे में ला रहे हो? कोई समाज खराब नहीं होता, कोई धर्म खराब नहीं होता। इस्लाम पर भी जो है किसी को कोई शक नहीं है, वो सदियों से जो है हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम साथ में रहते आए हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फिर आप ये क्यों हरकत कर रहे हो, क्यों एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हो, क्यों एक खाई को खोदना शुरू कर रहे हो? बंटवारे के समय जो खाई पैदा हुई थी उसको पाटने में 70 साल लग गए। पट्टी तो नहीं है, कहीं कहीं उसके दाग दिखते हैं और कभी कभी वो उभर भी आते हैं। आप उसको खरोच रहे हैं, आप उसको और गहरा कर रहे हैं। आप चाहते क्या हो? मुट्ठी भर लोग हैं एक जमात के और हरकतें देखो। वही कोर्ट कह रहा है कि आप पता करिए कि कहां गए लोग। हाई कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। फिर राजनांदगांव कलेक्टर कह रहे हैं कि अगर जमातियों ने कोई अपनी जानकारी छुपाई तो उनके खिलाफ अपराध दर्ज होगा। अरे ये नौबत क्यों आ रही है? आप पढ़े लिखे लोग हैं और क्या आपको यही सिखाया जाता है? क्या आप जो दिल्ली गए तो दिल्ली में जो आपकी जो गैदरिंग हुई वहां क्या आपको यही सिखाया गया कि आप ऐसी हरकत करिए कि समाज से आप अलग थलग दिखें, देश के खिलाफ दिखें और समाज के खिलाफ दिखें, धर्म के खिलाफ दिखें, अपने ही धर्म के खिलाफ दिखें, अपने ही दरगाह और मस्जिद पर शक पैदा करें? यही सिखाया गया आपको कि यही एक पढ़ा लिखा होना आपका साबित करता है? क्या यही साबित करता है कि आप एक धर्म के जो है धर्म को बहुत करीब से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं? आप अपने आप को अपने धर्म का श्रेष्ठ मानते हैं, तो श्रेष्ठ होने का मतलब यही है कि जो कानूनन मना किया जा रहा हो वो उसको किया जाए। कानून को तोड़ना क्या ये श्रेष्ठता साबित करना है? पूरा देश परेशान है। छत्तीसगढ़ मुक्त हो रहा था, कहां तो छत्तीसगढ़ मुक्त हो रहा था, कहां वो सन्नाटे में खड़ा है। 10 में से 9 चले गए थे ठीक होकर, आपने फिर 9 कर दिए। आखिर कोई वजह होनी चाहिए, आप बताते क्यों नहीं, छुपाते क्यों हैं, मकसद क्या है? अच्छी भली सरकार अच्छा भला काम कर रही थी, उसको क्रेडिट नहीं लेने दिया आपने, उसको अव्वल नहीं होने दिया आपने देश में। आपकी जो हरकतें हैं वो सरकार को तो पीछे घसीट ही रही है, आपके अपने लोगों को भी पीछे घसीट रही है। लोग आप पर शक करने लगे हैं आपके कारण। आप जैसे और जो लोग हैं, हर किसी को नहीं मालूम कि आप किसी एक जमात जो है एक अलग वो फिरका है या एक अलग समूह है, वो एक धर्म नहीं है। लोग तो जमात को भी धर्म मान रहे हैं। लोगों के दिमाग में क्यों जहर पैदा करना चाह रहे हैं? क्यों आप एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं? आपकी हरकतों से यही लग रहा है कि आप एक समाज को, एक धर्म को, एक संप्रदाय को शक के दायरे में ला के खड़ा कर रहे हैं। आप दरगाह जा रहे हैं जहां आपको जाने के लिए मना किया जा रहा है, जहां मस्जिद जा रहे हैं जहां मना किया जा रहा है, आप चाहते क्या है? ये सब बंद करिए, जानकारी दीजिए, इलाज कराइए, खुद भी स्वस्थ रहिए, अड़ोस पड़ोस के लोगों को स्वस्थ रखिए, अपने रिश्तेदारों को स्वस्थ रखने में मदद करिए, प्रदेश को ठीक होने में मदद करिए और प्रदेश का नाम रोशन करिए। तब आप कहलाएंगे कि आप पढ़े लिखे हैं और आप मुझे जमात में सही शिक्षा दी जाती है, वरना कोई फायदा थोड़ी ना ऐसी शिक्षा का। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.glimpse.in.